स्टूडेंट, मैं मनीष गुजर एक बार फिर से आप सभी का केमिस्ट्रोट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्यूमीन टू फिनोल प्रोसेस। काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अक्सर पूछा जाता है इसके बारे में अपने नीट, आईआईटी, एम्स, जेई, यहां तक कि बोर्ड के एग्जामों में भी। तो स्टूडेंट ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके जनरल रिएक्शन की। तो देखो स्टूडेंट, जनरल रिएक्शन में होगा क्या, आपको पता है कि ये फिनोल का फॉर्मेशन होता है किससे, क्यूमीन से। तो सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, क्यूमीन। तो स्टूडेंट देखो, कुछ ऐसी सिचुएशन अपन को मिलेगी, ये आपका हो गया स्टूडेंट सी एच है, इसके साथ दोनों तरफ इसके सी एच थ्री लगे हुए हैं, है ना। तो इस जो ये जो समूह होता है, इस समूह को बोलेंगे स्टूडेंट अपन आइसोप्रोपिल समूह है, आइसोप्रोपिल समूह इसको बोलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेंजीन लगा हुआ है इसके साथ में, तो स्टूडेंट इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल ये आपका हो गया बेंजीन। तो इसको पूरे को अपन बोलेंगे आइसोप्रोपिल बेंजीन, और इसका एक अदर नेम है वो हो गया अपना क्यूमीन। तो ये हो गया अपना क्यूमीन, ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आया। ये जो पूरा ग्रुप है इसको बोलेंगे अपन आइसोप्रोपिल, ठीक है, और बेंजीन के साथ लगा हुआ है तो आइसोप्रोपिल बेंजीन, और इसी आइसोप्रोपिल बेंजीन को अपन बोलेंगे क्यूमीन, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे जो सिचुएशन फर्स्ट है उसमें आपको मिलेगा ओ टू, मतलब ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन को मैं इस तरह शो कर रहा हूँ कि ये आपस में डबल बॉन्ड से अटैच है दोनों एक साथ में, और स्टूडेंट होगा क्या, यहाँ पे कोई लाइट आएगी, प्रकाश यहाँ पे आके गिरेगा, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, होमोलाइटिक क्लीवेज का आपको पता है होगा क्या, एक इन दोनों बॉन्ड, ये दो बॉन्ड है यहाँ पे, इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, ये आपका है होमोलाइटिक क्लीवेज। अब स्टूडेंट अक्सर आपको यहाँ पे क्या करवाना है, फिर करवाना आपको एसिडिफिकेशन, दो सिचुएशन हो गए, फर्स्ट सिचुएशन आपको O2 मिलेगा, होमोलाइटिक क्लीवेज करवाना है आपको, सेकंड सिचुएशन में आपको एसिडिफिकेशन करवाना है, और यहाँ पे HNO रहेगा, HNO की प्रेजेंस में रहेगा, इसको बोलते हैं लाइट, है ना, लाइट के प्रेजेंस में होगा। स्टूडेंट अक्सर आपको ऐसे पूछ लिया जाता है कि ए और बी प्रोडक्ट आप बताइए, ठीक है। अब देखते हैं अपन ए और बी प्रोडक्ट बन रहे हैं कौन कौन से है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है क्यूमीन टू अपन फिनोल बना रहे हैं, तो स्टूडेंट ये तो हो गया आपका फिनोल, ठीक है। अब स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है क्यों, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि अपन जनरल रिएक्शन करेंगे तब इसका बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट है क्यों। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो प्रोडक्ट जो बनने वाला है ना, वो यहाँ पे एसीटोन, मतलब ये कीटोन और बन रहा है साथ में, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अपन तो फिनोल ही बना रहे थे और साथ में अपन को कीटोन भी मिल गया एडवांस में, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट ये है इसका जो जनरल रिएक्शन है वो, अभी इसकी बात करेंगे अपन मैकेनिज्म की। तो आपको करना क्या, आपको वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लेना है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने जनरल जो रिएक्शन है वो देख लिया होगा, अब अपन बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड की तरफ होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले अपने पास क्या रहेगा, आइसोप्रोपिल बेंजीन, तो देखो यहाँ पे अपन ने ले लिया अपना, ये रहा स्टूडेंट आपका आइसोप्रोपिल, ये सी एस थ्री समूह यहाँ पे, ये सी एस थ्री समूह यहाँ पे, और एच अटैच कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये रहा आपका आइसोप्रोपिल समूह है, ठीक है, और साथ में बेंजीन है, तो इसको बोलेंगे अपन आइसोप्रोपिल बेंजीन यानी कि क्यूमीन, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे ये रहे आपका ऑक्सीजन, ठीक है स्टूडेंट, ऑक्सीजन दो ओ है साथ में, डबल बॉन्ड है, जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड के साथ। तो स्टूडेंट होगा क्या, अब अपनी रिएक्शन स्टार्ट होगी यहाँ से, कि यहाँ पे आएगा सनलाइट जो कि यहाँ पे गिरेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड पे, और यहाँ पे भी आएगा सनलाइट जो कि यहाँ पे गिरेगा। अब ये तो है नहीं कि सनलाइट आए तो सिर्फ O2 पे ही गिरेगा, सनलाइट तो कहीं पर भी गिर सकता है, तो यहाँ पे भी आके गिरेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो होगा क्या, यहाँ पे फिर होगा होमोलाइटिक क्लीवेज, ये हो गया आपका होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होगा, और एक बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है दोनों साथ में, एक बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा, और
एक बॉन्ड आपका शेष रहेगा, है ना। ठीक है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया, ऐसी स्थिति यहीं पर भी बनेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो स्टूडेंट जो सिचुएशन निकल के सामने आएगी वो कुछ ऐसी आएगी आपके सामने। देखो ये कार्बन रहा, यहाँ पे ये सी एच थ्री रहा, ये सी एच थ्री रहा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुए ना, तो ये कार्बन है ना वो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये एच एटम इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और दोनों ऑक्सीजन है उनमें सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो देखो अपन को वैसे वैसे इनको अटैच करना है, कार्बन के साथ अपन को ऑक्सीजन अटैच करना है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे बीच में इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वो सिंगल बॉन्ड लगाना है। अब स्टूडेंट साथ में क्या है, ऑक्सीजन है और फिर क्या है, एच है। तो स्टूडेंट ये जो अपनी जो सिचुएशन मिली है अपन को, ये अपना इंटरमीडिएट अपन को प्राप्त हो गया है, तो इसे अपन लिख देते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट अगर अपन इसका नाम लिखना चाहिए तो देख लो, ये इसका नाम हो गया, पहले लगाओ क्यूमीन, क्यूमीन हाइड्रो प्रोक्साइड आप लिख लीजिएगा, अभी अपने नोटबुक के कोने में लिख लो क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड। ठीक है, ये इंटरमीडिएट हो गया। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे होगा क्या, फिर इसका अपन को करवाना है। जो सेकंड सिचुएशन अपने पास क्या थी, अपन करवा रहे थे वहाँ पे एसिडिफिकेशन, तो यहाँ पे भी क्या करवाना पड़ेगा, एसिडिफिकेशन। तो अपन ने यहाँ पे एसिडिफिकेशन करवाया। अब स्टूडेंट आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे कि अपन को लिविंग ग्रुप निकालना है बाहर, क्योंकि अपन को बनाना क्या है, अपन को फिनोल बनाना है और साथ में एसीटोन मतलब कीटोन बनाना है ना, तो उस हिसाब से अपन को चलना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये दो ऑक्सीजन है, इन दोनों के पास दो दो लोन पेयर है, ये एच अटैच होने को यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन अपन को करना क्या है, अपन को जल बाहर निकालना है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से थोड़ा आसानी से जल निकल जाएगा, यहाँ पे अटैच होगा तब, और यहाँ पे जब अटैच हो जाएगा तो थोड़ा यहाँ से कठिन होगा निकालना जल को, है ना। तो अपन यहाँ पे अटैच करवा देते हैं इस ऑक्सीजन के पास एच को। देखो स्टूडेंट कुछ इससे, ये कार्बन है, ये सी एच थ्री लगे हुए हैं, दोनों समूह इनके साथ लगे हुए हैं, होना क्या है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये एच और ये अपना एसिड वाला एच यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब देखो यहाँ पे मैं दो स्टेप आपको एक साथ बताने वाला हूँ, कौन सी, एक तो आपका यहाँ से निकल गया जल बाहर, ठीक है, एक यहाँ पे स्टूडेंट अब थोड़ा शिफ्ट होगा, है ना, मिथाइल शिफ्ट फेनिल शिफ्ट। तो स्टूडेंट ये देखो यहाँ से दो ग्रुप शिफ्ट हो सकते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो गई यहाँ पे अटैच होने के लिए, ये सी एच थ्री यहाँ पे साथ में अटैच हो सकता है, और ये पी एच जिसको आप फेनिल बोलते हैं उसको अपन पी एच ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फेनिल है, ये भी यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। आसान यहाँ पे फेनिल रहता है, ये सी एच थ्री थोड़ा शिफ्ट तो हो जाएगा लेकिन यहाँ पे आसानी से शिफ्ट नहीं होगा, अपन को आसानी से शिफ्ट करवाना है, तो ये फेनिल समूह आसानी से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखो ये वाली सिचुएशन निकल के आएगी सामने, बाहर निकल गया जल, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट कौन होगा, ये फेनिल ग्रुप, ये पूरा का पूरा जाके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो देखो जो सिचुएशन निकल के आएगी, यहाँ पे लिख दो फेनिल शिफ्ट, फेनिल शिफ्ट लिख दिया। अब देखो स्टूडेंट जो सिचुएशन अपने सामने निकल के आएगी वो ये आएगी कि ये कार्बन रहा, इसके साथ ये सी एच थ्री अटैच रहा, ये सी एच थ्री यहाँ पे अटैच रहा, ये ऑक्सीजन रहा इसके साथ, क्योंकि जल बाहर निकल गया है यहाँ से, ध्यान से समझना, जल बाहर निकल गया स्टूडेंट, तो फिर अटैच कौन होगा, यहाँ पे अपन ने अटैच करवा दिया इसके साथ फेनिल। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, ध्यान से देखो, दोनों दो बॉन्ड सी एच थ्री के साथ, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, इसकी एक वैलेंसी फ्री रह गई, है ना, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को कम करने के लिए अपने पास जल तो है ही, तो देखो यहाँ पे अपन लेके आते हैं जल फिर से। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो सिचुएशन अब देखो आपके सामने निकल के आएगी वो ये आएगी स्टूडेंट, ध्यान से समझना, यहाँ पे बस यहीं पे अपना वो प्रोडक्ट है यहीं पे डिसाइड हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा देखो ये वाली सिचुएशन सामने निकल के आएगी स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना आप, ये यहाँ पे ऑक्सीजन, ये एच लगा हुआ और ये एच लगा हुआ, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, तीन बॉन्ड। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि ऑक्सीजन जब भी ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव का, तो स्टूडेंट इस पे पॉजिटिव का चार्ज आया, ये थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है, तो इस पॉजिटिव को कम करने के लिए एक एच अपन को बाहर निकालना होगा यहाँ से। तो देखो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
एच को अपन ने बाहर निकाल दिया, तो सिचुएशन जो सामने आएगी वो ये आएगी, ये CH3 लगा हुआ, ये ऑक्सीजन लगा हुआ, इसके साथ ये फेनिल समूह लगा हुआ स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? हाँ, ध्यान से समझना स्टूडेंट। और ये ऑक्सीजन एक एच बाहर निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली सिचुएशन अपने सामने निकल के आएगी। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपन प्रोडक्ट के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखो होगा क्या, ऑक्सीजन के साथ जो एच अटैच है वो यहाँ पे एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अपन को बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये बाहर चला जाएगा एसिडिक नेचर का होने के कारण, और अपने इलेक्ट्रॉन दोनों डोनेट कर देगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे जब कार्बन को ये एच एच बाहर निकला, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर गया यहाँ पे, तो कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन अटैच हुई है वो यहाँ पे कौन से, यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट, वो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो गई। ठीक है, देखो सिचुएशन ये आएगी कि मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको शो कर देता हूँ। ऐसे मान लो ये एच निकल गया बाहर, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर गए, ये आ गया डबल बॉन्ड। अब देखो स्टूडेंट सिचुएशन क्या आएगी कि 1, 2, 3 और 2 कितने हो गए, 5। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, 5 बॉन्ड बना रहा है। तो स्टूडेंट होगा क्या, उसको एक बॉन्ड ब्रेक करना होगा, तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है, क्योंकि कार्बन जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से काफ़ी कम है, और ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, यहाँ वाले दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के बाहर चला जाएगा। जब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन वो लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे एच पे कौन सा चार्ज है, एसिडिक नेचर का है, बाहर निकला एच प्लस है, हो गया। ठीक है, जब यहाँ से जुड़ेगा तो स्टूडेंट देखो ये तो अपना बन गया फिनोल, इस ओ के साथ ये एच अटैच हो गया, तो ये तो बन गया फिनोल। ठीक है स्टूडेंट, और साथ में आपका देखो आपको मिल गया ये CH3, ये CH3 लगा हुआ, और ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो ये बन गया आपका स्टूडेंट कीटोन, या इसको बोल सकते हो आप एसीटोन। तो स्टूडेंट ये है इसका जो मैकेनिज्म है, वो स्टेप बाय स्टेप आप समझो, बार बार वीडियो को आगे पीछे करके इसको समझते रहो स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लेना है, ऐसी वीडियो में लाता रहता हूँ, आप मेरे साथ बने रहें। ठीक है स्टूडेंट, आप कॉपी कर लीजिएगा इसको। धन्यवाद।